When we talk about group therapy, this is very important to see that there are certain advantages of group therapy over individual therapy. Influence and support of peer in the treatment process may facilitate gains that would be slow or unlikely in individual treatment. When big individual treatment, is treatment, he does not have a source he can progress or health improvement. अपनी थाट्स के चेंज को कम्पेयर कर सके अपने जैसे किसी और इंडिविजुअल के साथ द ग्रुप थेरेपी गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ थ्री वीक्स इस थेरेपी की हेल्प से मैं कितना बेहतर हुआ हूँ और मेरे पियर्स कितना बेहतर हुए हैं या मेरी जो डिस्ट्रप्टिव थाट्स थी उनमें कितना चेंज आया है और दूसरों के डिस्ट्रप्टिव थाट्स जो हैं वो मेरे मुकाबले में कितनी इम्प्रूव या वर्स हो रही हैं तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप एक ग्रुप की फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं इट इज़ एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप थेरेपी देन द ग्रुप में ऑल्सो बिकम अ स्पेशल थेरापटिक इकोलॉजी विद इन विच स्पेशल इनसाइट एंड अवेयरनेस में डेवेलप एट टाइम्स इट गोज सो गुड हैंड इन हैंड कि वो जो सारा पेयर का एक ग्रुप होता है और वो मिलकर अपने प्रॉब्लम से निकलने के लिए एफर्ट कर रहा होता है वो आपस की डिस्कशन से एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं जो एक दूसरे को बहुत कंफर्ट करती है सूद करती है सपोर्ट करती है और उनको प्रॉब्लम से निकलने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है नो विध विद द ऑलवेज कम डिसएडवांटेजेस तो सम ऑफ द डिसोज लाइक ग्रुप proper ट्रेनिंग एंड एबिलिटी टू adequately मोनिटर द एक्सपीरियंसिस ऑफ ऑल members. लेट से आपने सारी ऐसी मदर्स को लाकर बिठा दिया जिनके बच्चे हैंडी कैप एंड आर गोइंग थ्रू अ केयर गिवर बर्डन और उन सब को कोई प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए एडिक्यट थेरेपिस्ट वहाँ मौजूद नहीं है जिसकी इतनी ट्रेनिंग हो कि वो एक मदर के इमोशंस को समझ सके और हैंडी कैप बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल साइकोलॉजिकल और इमोशनल उसकी उनको अंडरस्टैंडिंग हो तो एट टाइम्स उस ग्रुप में जो एक दूसरे के साथ कथार्सिस है उसके रिजल्ट के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी भी प्रोड्यूस हो सकती है ज़्यादा एनोनिमिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रुप के बीच में जो मॉडरेटर का रोल है थेरेपिस्ट का वो बहुत स्ट्रांग हो और वो उन चीज़ों को प्रॉपरली लीड कर सके ताकि वो ग्रुप जो है एक पॉजिटिव सैनर्जी जो है वो डेवलप करे राधा दिन के उससे और ज़्यादा एक नेगेटिव सिचुएशन uh, जो है वो क्रिएट हो जाए और लोग अपने घर घर जाने से पहले दिल में और अनॉनमिटी और ज़्यादा दुख और ज़्यादा तकलीफ लेके जाएं रादर देन कि वो कथारसिस के बाद अच्छा और लाइट फील करें और वो अपनी लाइफ को मेजरेबल ना महसूस करें Then प्रेशर टूवर्ड्स को हिजन एंड इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस कॉमन इन ग्रुप थेरेपी कैन inappropriate इन some फॉर सम times, एट टाइम्स एज आई गिव एन एग्जाम्पल के क्राइम रीएकमेंट के जो सीन्स होते हैं वो sometimes unhealthy अनहेल्दी को लीड करते हैं टूवर्ड्स लर्निंग अ क्राइम rather देन सीकिंग समथिंग गुड आउट ऑफ इट इसी तरह ग्रुप थेरेपी में कुछ लोगों के जो नेगेटिव इमोशंस हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो वर्नरेबल क्लाइंट्स को लीड कर सकते हैं टुवर्ड्स एक्वायरिंग बिहेवियर एज अ सक्सेस रादर देन थिंकिंग अबाउट इट एज अ बिहेवियर विच शुड बी डिमिनिश सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अ साइकोथेरेपिस्ट शुड बी अ वेरी परफेक्ट पर्सन अ वेरी ट्रेन पर्सन जो लोगों के उन इमोशंस को प्रॉपरली डील करना जानता हो रादर देन कि वो एक नेगेटिव साइड पर Uh, जो है उनके इमोशंस जो हैं वो डिवेलप होना शुरू हो जाए देन द ग्रुप थेरेपिस्ट हैज मच लेस कंट्रोल ओवर द कंटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द सेशन देन डज एन इंडिविजुअल थेरेपिस्ट इंडिविजुअल थेरेपिस्ट में वन टू वन सेशन होगा जो बात आप चाह रहे हैं आप वो करेंगे जहां अपने बात को टर्न करना है आप टर्न कर सकते हैं लेकिन ग्रुप थेरेपी में व्हेन एवरीवन इज स्पीकिंग एवरीवन इज गिविंग देयर इमोशनल एक्सपीरियंसेस वहां पर इस चांस को हम देखते हैं कि ये मिनिमाइज हो जाता है तो एक्सपर्टीज का इन्वॉल्व होना यहाँ बहुत जरूरी है ताकि वो सारी जो ग्रुप की डिस्कशन है उसको पॉजिटिवली चैनलाइज किया जा सके देन प्रॉब्लम्स माइट इंक्लूड स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम कन्फ्रंटेशन क्रिटिसिज्म थ्रेट्स टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इवन डेवलपमेंट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द ग्रुप तो ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं जो ग्रुप के डिसडवाटेज हो सकते हैं कि आप किसी दूसरे ग्रुप पे या क्लाइंट पे इतना डिपेंड करने लग जाएं कि जब तक आप उनसे मशवरा ना, ना कर लें आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व ही ना कर सकें या एट टाइम्स आप इंटीमेट कर लें दूसरे लोगों के बिहेवियर के साथ कि अच्छा इसको इस सिचुएशन में सेल्फ हार्म करके फायदा हुआ था तो मुझे भी ये फ़ायदा हो सकता था या इसको शाउट करने से ये गेंस मिल रहे हैं तो मुझे भी मिल सकते हैं तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर जो है वो सुपरवाइज थेरेपिस्ट इस सारी डिस्कशन को इस सारे थेरेपी को लीड करे और उसके अंदर इस तरह के लैपिस के चांसेस ना हो थेरेपिस्ट लीडिंग ग्रुप शुड

तो उसमें जो है वो थेरेपी का जो रिस्पांस है वो डिफरेंट तरह का होगा जैसे हम एजुकेशनल सेक्टर में ग्रोथ ग्रुप्स करते हैं लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं डिस्कस करते हैं वहाँ पे सन्ई फ़र्क होता है लेकिन जब हम उसको एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में करते हैं तो इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट कॉर्नटेशन सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज सेक्शंस नीड टू बी टेक्ड एंड चेक पॉक्स प्रॉपरली सो दैट द फुल फुलपज द फुल बेनिफिट ऑफ ग्रुप थेरेपी मे बी अचीव